खबर जनपद फिरोजाबाद से है, जहां थाना दक्षिण के अंतर्गत एक किशोरी शिप्रा निवासी पेमेश्वर गेट को उसियानी निवासी अवनीश ने प्रेम प्रसंग का झांसा दिखाकर व शादी के झूठे जाल में फंसाकर किशोरी के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। किशोरी ने बताया कि 2022 के दौरान अवनीश मुझे फेसबुक पर मिला था, जहां से हमारी बातें शुरू हुई। चंद दिनों में अवनीश प्यार का इजहार करने लगा और मुझे शादी के झांसे में फंसाता गया। देखिए हमारी खास एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में क्या कुछ कहना है किशोरी का। नाम है आपका? शिप्रा, क्या वारदात हुई है आपके साथ और ये क्या पूरा मामला है? मेरे साथ भैया ये हुआ है कि मैं संध्या और बाईस से एक लड़के के साथ फेसबुक पे जुड़ी थी, तो उसने मुझे मेरे से बात करता रहा, लगातार लगातार बात करता रहा। तो वो मुझे बोलता है मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। तो ऐसे करते करते अप्रैल में मुझसे मिलने आए, 14 अप्रैल को ऑर्चिड ग्रीन रेस्टोरेंट में मुझसे मुलाकात हुई। इससे 15 अप्रैल को मुझे मिलने गया ये, क्या नाम था लड़के का? अवनीश, अच्छा अवनीश अवनीश नाम था उसका। तो मुझे बोलता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो घुमाने के बहाने मुझे जोधा होटल ले गया था जो फतेहाबाद रोड पर है। तो जोधा होटल में तो उसने मुझे नशे में मुझे बोल गया एकांत में चलते हैं, बात करना है कुछ मुझे। तो मुझे एकांत में ले गया, कोल्ड ड्रिंक पिलाई, कोल्ड ड्रिंक कुछ मिला दिया था इसने मुझे। तो मुझे पिला के तो मुझे नशे में हो गई, तो उसने मेरे साथ गलत काम करा। उसकी मेरे फोटो वीडियो वगैरह वायरल कर मतलब फ़ोन में कर ली इसने अपने। तो मुझे धमकी देने लगा कि अब तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती, तुम सिर्फ मेरे से शादी करोगी। कहाँ का रहने वाला है ये? और उसाइनी का रहने वाला है भैया। उसके बाद ये पूरा क्या प्रकरण रहा था? तो ये मुझसे बात करता रहा लगातार, तो इसने गलत काम करा। फिर अपनी मम्मी से ही मेरी बात कराई, इसकी माँ का नाम है रेशमा, अपनी माँ से बात कराई। तो मुझे लगा चलो ये शादी वगैरह करेगा। तो ऐसे धीमे धीमे मई में मुझसे मिलने आए, मई में ही मुझे होटल वगैरह पे ले गया। वो वहाँ पर भी शारीरिक संबंध बनाए इसने, शारीरिक संबंध मेरे साथ बनाए। उसके बाद फिर जुलाई में आया, जुलाई में भी शारीरिक संबंध बनाए मेरे से। फिर मैं नोएडा चली गई, यस फाइनेंस में जॉब करती थी नोएडा में। तो मैं नोएडा का ही मेरे रूम पर रुकता, कभी वही होटल ले जाता मुझे, वहाँ पर भी ये सब काम करता था मेरे साथ में। फिर धीमे 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 अपनी फिर जो मैं प्रेग मेरी फ्रेंड की शादी थी सिमरन की, फरवरी में 2023 में सिमरन की शादी थी, वहाँ पे ये आया हुआ था। तो वहाँ पे इसने अपना परिचय दिया था कि मैं इसका होने वाला पति हूँ, अपनी मेरी फ्रेंड की मम्मी फ्रेंड वगैरह सबसे बोला मैं होने वाला पति हूँ इसका। फिर उसके बाद में मुझे अपने पता चला प्रेगनेंसी का, मुझे मार्च में पता चला प्रेगनेंसी का। तो मैंने इसे रोते रोते फ़ोन किया, मैंने कि ऐसा था प्रेगनेंट हुई है वो। तो ये मुझे बोलता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो ये आया था, अपने घर पर ले गया था मुझे, अपनी मम्मी से मिलाया था इसने, अपनी बहन सुकन्या से, भाई पूरन से, पापा से, सबसे इसने मुझे मिलवाया था। फिर मैंने मौका देखती इसकी मम्मी को बोला ऐसे ऐसे मम्मी जी मैं प्रेग्नेंट हूँ ये वो। तो उसकी मम्मी आशा केंद्र में है, तो उन्होंने बोला कि बेटा परिवार की बात है, बदनामी हो जाएगी तो तुम दवा खा लो। उसकी माँ ने मुझे दवा दी थी मेरा गर्भाशय गिराने की। उसके बाद मैं पुनः फिर जून में प्रेग्नेंट हो गई। फिर मैंने अपनी इसको फ़ोन किया मैंने प्रेग्नेंट हुई है वो, तो उसने दवा दी। तब दवा से कुछ नहीं हुआ, फिर इसने श्री श्याम हॉस्पिटल है आसाबाद में, वहाँ पे इसने मेरा अबॉर्शन कराया। वहाँ पे इसकी फ्रेंड की बहन सिखा वो मेरे साथ गई थी अबॉर्शन कराने, वहाँ इसकी मम्मी भी मिली हुई थी और अवनीश भी मिला हुआ था, ये सब मिले हुए थे वहाँ पर। फिर उसके बाद में सेप्टेम्बर में ये आया था 2023 में, मुझे वहाँ पर ले गया घुमाने, मथुरा वृंदावन घुमाने ले गया। वहाँ पर भी एक रात रुका था ये मेरे साथ में, वहाँ पर भी इसने ये सब करा था मेरे साथ, सारे संबंध बनाए थे। फिर मैंने दबाव डाला मैंने शादी करो ये वो, तो ये तरह तरह के बहाने मारने लगा मेरे से। फिर मेरी बुआ जी की बेटी है एकता, और मेरी बुआ जी तो इसकी बहन के घर पर गई थी बात करने। तो इसकी बहन के जब घर पर गई थी, तो इसकी बहन शादी का बोलने लगी कि मेरे भाई के 30-35 लाख के रिश्ते आ रहे हैं, 30-35 लाख के रिश्ते आ रहे हैं। तो मेरी बुआ ने बोला कि फिर मेरे मुझे आके बताती है कि लड़के की बहन तो 30-35 लाख के रिश्ते की बोल रही है। बल्कि अवनीश मुझे हमेशा बोलता था कि मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूँ। तब मैंने अवनीश को फ़ोन किया, मैं इनकी बहन तो आपकी बोल रही है पैसे के 30-35 लाख का। तो मुझे बोलता है जब शादी करोगे तो क्या फ्री में थोड़ी शादी होगी, पैसा तो खर्च करना पड़ेगा। इसने मुझे ब्लॉक कर दिया हर जगह से, मैंने बहुत कोशिश करी इससे बात करने की, इसने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। फिर मेरे घर वाले इसके घर पर गए, पंचायत हुई वहाँ पर, नीलू यादव प्रधान थे, पीपी पचौरी पापा जी थे मेरे, उसके मामा थे, ताऊ जी थे, सब लोग बैठे हुए थे, उसके पापा थे। तो इन लोगों ने 15 दिन का टाइम मांगा था मेरे घर वालों से कि 15 दिन का टाइम दो। तो उस बीच इस लड़के की शादी फिक्स कर दी कहीं पर, शादी कर रहे थे कहीं और। और इसके मामा ने फ़ोन करा था अवनीश के मामा ने कि अगर जो भी शादी में आता है अवनीश की, तो गोली से लाशें बिछा दी जाएंगी। तो डर के हम लोग कुछ करा नहीं हम लोगों ने। फिर जब हमें कुछ नहीं दिखा सुराग, तो हम फिर जब हमने दक्षिण थाने में रिपोर्ट लिखाई अपनी, तो अब कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। मतलब यहाँ से तो सुनवाई हो रही है, लेकिन लड़के वाले आज घर पर गए थे मेरे, तो बोल रहे थे वहाँ पे कि ऐसा ऐसा है, पैसे लेके मैटर खत्म करो वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ में। तो हमें धमकी दे रहे हैं घर पर जा जाके, दबंगी दिखा रहे हैं। हाँ दबंगी दिखा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, पैसे ले लो, 2-2.5 लाख रुपए ले लो और मैटर खत्म करो। क्या चाहती हैं आप, ये जो पूरा प्रकरण है इसमें क्या होना चाहिए? मैं चाहती हूँ कि मुझे न्याय चाहिए। जो लड़के ने मेरे साथ गलत करा, या तो मेरे से शादी करे वो लड़का, या तो फिर उसे जेल होनी चाहिए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।